तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक ट्रू स्टोरी बेस्ड तेलुगु हॉरर थ्रिलर मूवी को हालांकि इसको थ्रिलर नहीं कह पाएंगे ये प्रॉपर हॉरर फिल्म है यहां पर भूत प्रेत एक्सोरसिज्म वगैरह सब कुछ होगा इस मूवी का नाम है पिंडनम यानी कि फीटर्स इस मूवी की फिलहाल आईएमडीबी रेटिंग है 8.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि मेरे ख्याल से काफी बढ़िया काफी ज्यादा है सबसे बड़ी बात की सच्ची घटना पर आधारित है तो ये तो बहुत ही बढ़िया है के के अंदर नाल अंदर नालगोंडा ऐसी चीज हुई थी थी मूवी पिछले ही साल 15 दिसंबर को रिलीज करी गई और फिलहाल ये प्राइम वीडियो के अवेलेबल है लेकिन हाँ ये आपको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ मिलेगी और दोस्तों आप किस सिटी से या फिर कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना और दोस्तों मैंने हाल ही में ही लायंस गेट की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है सनराइज जिसके अंदर रेड कोट नाम की एक डीमन को एक्सप्लेन करा गया है तो अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लेना उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो मूवी की शुरुआत होती है अनम्मा नाम की एक डीमोनोलॉजिस्ट यानी कि तांत्रिक को दिखाते हुए जो कि एक घर के अंदर आती है वो भी किसी पोजेशन से डील करने के लिए और यहाँ पोजेशन बहुत ही ज्यादा हैवी था उसका एसेंस इतना ज्यादा ताकतवर था कि जो डॉग था वो एग्रेसिव होकर अनम्मा के ऊपर ही भोंकने लगता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो कार के अंदर थी तो वो कार से टकरा टकरा कर अपना सर फोड़ कर खुद को ही खत्म कर लेता है यानी कि वो यहाँ पर एक पल भी टिकना नहीं चाहता था अब अनम्मा उस घर में जाने लगती है और लोकनाथ नाम का एक आदमी उसके पास आता है जो की उसे बताता है कि उसे प्रोफेसर दशरथ राम ने भेजा है और वो उनके साथ रहकर ट्रेवल करके इंटरव्यू करके उनके ऊपर केस स्टडी करना चाहता है और वो उसे अपने साथ उस घर में ले जाती है तो इस घर के अंदर हाल ही में ही एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हुई थी जिसका बेटा बहू और उसकी बेटी फोरन में रहते हैं तो अभी वो वापस आ गए थे असल में उस बूढ़े व्यक्ति की जो पोती है वो पोजेशन में है और उसी वजह से उस घर के सारे फूल पत्ते और पौधे सूख चुके हैं और मुरझा गए हैं ईविल चीजें होती रहती है घर में हलचल होती है और भगवान की जो पिक्चर्स है वो टूट अपने आप नीचे गिर जाती है यानी की यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा थी खराब अनम्मा थोड़ा चिंतन करती है और उस लड़की से बात करती है जो की उनसे अच्छे से बात करती है और बताती है कि वो कभी स्कूल नहीं गई उसने हमेशा न्यूज़पेपर और किताबों से ही नॉलेज गेन करी है लेकिन उसके पिता बीच में ये बोलते हैं कि वो स्कूल जाया करती थी साथ ही साथ वो ये सब बातें तेलुगु में बोल रही थी जबकि वो पहली बार यहाँ पर आई है और उसे तेलुगु आती तक नहीं है जिससे कि सभी है, है, है और चैंटिंग करती रहती है। साध उसके बेटे से ये बोलती है कि उसने अपने पिता के आखिरी राइट्स को नहीं किया था तो वो उनसे माफी मांगे उनकी पसंद की चीज उन्हें ऑफर करके मनाए और वो ऐसा ही करता है जिसके बाद वो उस बच्ची की बॉडी को छोड़कर आफ्टर लाइफ में खुशी खुशी चले जाते हैं अब यहाँ से बाहर निकल आती है और रास्ते में लोकनाथ उनसे बात करता है और इसके बारे में पूछता है तो वो ये बताती है की फिजिकल वर्ल्ड और बॉडी काफी लिमिटेड है उसे जलाया जा सकता है काटा जा सकता है खत्म किया जा सकता है लेकिन इंटरनल वर्ल्ड एंडलेस होता है यानी कि सोल की कोई बाउंड्री नहीं है साथ ही साथ वहाँ पर जो एनर्जी और पावर मौजूद होती है उसे जलाया काटा या फिर खत्म नहीं किया जा सकता बस ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है अब वो उसे थोड़ी और बात करता है और उनसे ये पूछता है कि उन्होंने बाहर पढ़ाई करी है वो फाइनेंस में काफी कुछ जानती हैं, तो उन्होंने ये तांत्रिक वाली दुनिया में ही क्यों कदम रखा उसको क्यों चूज किया जिस पर वो ये कहती है कि जब वो छोटी थी तब औरतों के ऊपर अत्याचार हुआ करते थे पोजेशन जैसी चीजों के चलते उन्हें खत्म कर दिया जाता था उनकी बलि चढ़ा दी जाती थी तो आज भी कई जगह पर ऐसा होता है और उसके पिता एक स्पिरिचुअलिस्ट ह्यूमैनिटेरियन और एक विजर्ड थे जो की ऐसी लेडीज की मदद किया करते उन्हें बचाते थे ठीक करते थे उनका एग्जॉर्सिज्म किया करते और बाकी तरीके से भी उनकी हेल्प करते अब एक दिन उन्होंने एक लड़की को प्रदर्शन से बचाया लेकिन उस वक्त उनकी खुद की बेटी यानी कि अनम्मा की छोटी बहन की मौत हो गई थी और उसके दुख में उसकी माँ भी खत्म हो गई अब उसके पिता अपने ईविल को खत्म करने वाले लड़ाई में लगे रहे और जब वो खत्म हुए तो उन्होंने अपनी लगे सी उसको सौंप दी और वो आज तक इसको कायम रख रही है और वो कोशिश करती है की वो अपने लेवल तक दुनिया से ईविल को खत्म कर पाए उससे लोगों को बचा पाए और लेडीज को मरने से बचा पाए वो आगे बताती हैं कि वो अपने आसपास की लिविंग चीज़ों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती रहती हैं और वो साइंस में पूरा विश्वास रखती हैं जिसके अंदर अगर कोई पर्सन साइंस से ठीक हो सकता है तो वो साइंस से ही उसकी हेल्प करेंगी लेकिन अगर किसी और तरह से या फिर रिलीजन या फिर बिलीफ से किसी की मदद हो सकती है तो वो उसे फॉलो करने में पीछे नहीं हटती खैर अब लोकनाथ आगे ये पूछता है कि वो अकेली ही एक डिमोनोलॉजिस्ट है जिन्होंने बाहर रहकर इतने इंटरेस्ट से उसको सीखा है या फिर ऐसा कोई और भी है जिस पर वो ये कहती है की ये तो केस स्टडी से बाहर का सवाल लग रहा है तो ये कहता है की वो भी गोस्ट में यकीन करता है और जानना चाहता है की वो उनसे कैसे डील करती है सीरियस से इविल को कैसे संभालती हैं। जिसके बाद वो उनसे ये पूछता है कि उन्हें कोई ऐसा केस याद है जिसके अंदर उन्हें थोड़ी कठिनाई महसूस हुई हो या फिर उसे देखते ही उन्हें ऐसा लगा हो कि ये तो सॉल्व नहीं हो सकता जिस पर वो बताती हैं कि ऐसा एक केस था जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उसके बाद आज तक ऐसा कुछ हुआ और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल की कहानी थी जो कि उस दुनिया में कभी आई ही नहीं पैदा ही नहीं हो पाई और ये कहानी 1990 में एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर घटित हुई थी और अब कहानी जाती है 1990 के अंदर सुकल पेट नाम के एक गांव के अंदर जहां पर हम देखते हैं एंथनी नाम की एक आदमी को जो की राइस मिल में अकाउंटेंट का काम करता है और पास में ही अपने लिए घर भी ढूंढ रहा है अब ब्रोकर उसे एक घर दिखाता है जो की काफी पुराना था लेकिन काफी अच्छी कंडीशन में था मेन्टेन्ड था और एंथनी को नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर ही चाहिए था क्योंकि उसकी माँ ये बोलती है कि उससे उसको बेटा पैदा होगा और वो उसके पिता का री इनकारनेशन कहलाएगा खैर एंथनी को यह घर काफी पसंद आता है और किन्हीं कारणों की वजह से ये उसे काफी सस्ते में मिल गया था और वो एक लॉक रूम को नोटिस करता है जिसे बाहर से लकड़ी के पत्ते लगाकर लॉक किया गया था और ब्रोकर उसे जल्दी ही खुलवाने का बोल देता है अब अगले सीन में एंथनी अपने परिवार के साथ उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाता है उसके परिवार में उसकी माँ है जिनके हस्बैंड अब गुजर चुके हैं उसकी वाइफ मैरी है और दो बेटियाँ हैं जिनके नाम सोफी है और उससे छोटी बेटी का नाम तारा है जो की बोल सुन नहीं सकती बात करें इस घर के बारे में तो ये काफी बड़ा और सुंदर है जो कि सबको काफी पसंद आ जाता है और इस पर नयो दम्मा रेसिडेंसी का बोर्ड लगा हुआ था जिसको एंथनी हटवा देता है क्योंकि अब वो इस घर का मालिक था और उसकी माँ इस घर की पास्ट और हिस्ट्री के बारे में उससे पूछती है तो वो ये कहता है की उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और इससे उसे कोई मतलब नहीं है ना ही उसे कोई फर्क पड़ता खैर अब एंथनी उस लॉक्ड रूम को देखने जाता है जिसे अब खुलवा दिया गया था और यहाँ पर ढेर सारा पुराना फर्नीचर क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाइक हारमोनियम और ढोल वगैरह पड़े हुए थे और वो यहाँ पर थोड़ा बहुत चीजों को नोटिस करने लगता है खराब रात को तारा घूमते घूमते इसी रूम तक आ जाती है और उसे यहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है जिससे वो थोड़ी डर जाती है जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर सो जाती है जहाँ पर रात को सोफे की नींद खुलती है तो वो कुछ हलचल महसूस करती है साथ ही साथ तारा कुछ अजीब सा गुनगुना रही थी जिससे वो थोड़ी डर जाती है क्यूँकी ऐसा होना मुश्किल था इनफेक्ट नामुमकिन था और वो उसे सोने बोल देती है और हम रूम के अंदर रखे हुए हॉर्स टॉय को अपने आप ही हिलता हुआ देख पाते हैं खैर अब अगले सीन में एंथनी की जो माँ होती है वो उसकी वाइफ से बेटे के पैदा होने को लेकर बात कर रही थी और मैरी इस बात से काफी परेशान होने लगी है क्योंकि वो हमेशा ही बेटा बेटा करती रहती खैर वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर डॉक्टर ये बताती है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और मैरी उसका जेंडर पूछती है जो की बताना इलीगल था तो डॉक्टर उसे मना कर देती है अब वो दोनों ही घर आ जाते हैं जहाँ पर सोफी स्कूल चली जाती है और तारा घर पर ही थी जिसके लिए उन्हें कोई सही स्कूल नहीं मिल रहा था और मैरी नोटिस करती है की उसके हाथ पर चोट का निशान है लेकिन तारा को याद ही नहीं है कि ये चोट उसे कब और कैसे लगी थी अब तभी सभी को दूसरे रूम से आवाज आती है जहाँ पर जाकर वो देखते हैं तो वॉल पर लगी हुई सारी भगवान की जो पिक्चर्स होती हैं वो अपने आप टूट चुकी थीं और एंथनी के पिता की फोटो भी टूट चुकी थी जिसे उसकी मदर साफ करती है लेकिन उनकी उंगली में एक कट हो जाता है जिससे कि वो फोटो भी खराब हो जाती है और उनका चेहरा मिट जाता है अब वो इस चीज को लेकर काफी परेशान हो जाती है और ये कहती है कि उसके पिता गुस्सा हैं इसलिए ये सब हो रहा है और उन्हें भगवान से माफी मांगनी चाहिए लेकिन एंथनी उनको समझाता है और उन लोगों की इस बात पर थोड़ी बहस हो जाती है और फिर वो वहां से चली जाती हैं। लेकिन कोई भी वॉल के ऊपर साइड लगी हुई एक फोटो को नोटिस नहीं कर पाता जिसके अंदर कोई लेडी थी खैर तभी हम तारा को देखते हैं जो कि उसी रूम में पढ़ रही होती है लेकिन तभी वहां पर एक शेडो आती है जो कि उसे काइंड ऑफ में लेकर एक स्विंग चेयर पर बैठाकर उस चेयर को जोर जोर से स्विंग कराने लगती है लेकिन तब तक उसकी माँ वहां पर आकर उसे अपने साथ ले जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और ये बात भी भूल गई थी की वो चेयर पर कब बैठी और कब वो चेयर मूव होने लगी थी खैर अब अगले सीन में हम एंधनी को मिल के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसके बॉस उसको ये बताते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी इशू की वजह से उन्हें मिल को छह महीने के लिए बंद रखना होगा और वो सबका हिसाब करके सबको काम से निकाल दे साथ ही साथ यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर से डील करने और अकाउंट सेटल करने के लिए कोई रहना चाहिए तो वो यहाँ पर दो और महीने काम कर सकता है और अब एंधनी जॉब जाने की बात से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अभी अभी एक नया घर खरीदा था खैर देर रात वो मिल से घर जाने लगता है लेकिन उसकी बाइक खराब हो जाती है तो वो वॉचमैन से लालटेन लेकर घर पर अकेले ही पैदल जाने लगता है और रास्ते में उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है कुछ हलचल महसूस होती है जिससे कि वो डर जाता है लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिससे वो बात करता है और उसके साथ आगे तक चलने के लिए बोलता है और वो आदमी भी इसी जगह पर जा रहा था तो वो भी उसके साथ चलने के लिए एग्री हो जाता है वो दोनों ही अब थोड़ी बहुत बात करते करते घर तक आ जाते हैं और यहाँ पर एंधनी नोटिस करता है कि वो आदमी अचानक गायब हो चुका है जिससे वो काफी हैरान हो जाता है तभी वो घर के बाहर वाले कुएं पर हाथ पैर धोने लगता है जिसे फिर से वही आदमी दिखाई देता है जिससे की वो काफी ज्यादा डर घर के अंदर चला जाता है घर पर वो मैरी और अपनी माँ को सारी बात बताता है जो की उसको ये समझाती है की नया शहर है तो उसको वहम हुआ होगा और वो आदमी उसे घर छोड़कर आगे निकल चुका होगा और उसकी माँ उसे उसके पिता का होली क्रूसिफिक्स पहनने के लिए देती है अब सभी सो जाते हैं और हम सोफी को देखते हैं जिसकी रात में नींद खुलती है क्योंकि उसे अजीब सी डरावनी सी विस्पर सुनाई दे रही थी तभी वो तारा को देखती है और वो भी अपने बिस्तर पर नहीं थी जो कि उसे अपने साइड में खड़ी मिलती है और ये विस्पर वाली आवाज वही कर रही थी जिससे वो बहुत डर जाती है क्योंकि क्यूँकी ही बात है कि तारा कुछ भी बोल सुन नहीं सकती थी खैर जब वो चिल्लाती है तो सभी लोग उसके पास आते हैं उसको संभालते हैं जिन्हें वो तारा के बारे में बताती है लेकिन तारा तो बोल नहीं सकती थी तो वो विस्पर कैसे करेगी जिसके चलते कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और वो सबको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये दूसरी बार हुआ है और पहले भी वो ऐसे ही कर रही थी लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता इवन तारा भी जो की अपने तक चल कर थी। वो और इन सबसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी जो कि खुद से ये कहती है कि अभी कोई भी उसकी बात नहीं मानता जब नया बेबी आएगा तब तो सभी उसको इग्नोर कर देंगे और कोई उससे प्यार नहीं करेगा वहीं दूसरी तरफ हम तारा को देखते हैं जो कि क्रीपी तरीके से हंस रही थी अब अगले दिन एंथनी अपने काम पर निकल जाता है और बच्चियां घर पर खेल रही होती हैं। तभी कारपेंटर घर पर कुछ रिपेयर का काम करने आया था जिसकी बहन भी साथ आई थी तो वो उन दोनों के साथ खेलने लगती है और उस स्टोर रूम से उन्हें एक बोर्ड गेम भी निकाल कर देती है जो कि काफी पुराना समय का गेम था तभी मैरी उन दोनों के पास आती है और वो दोनों उसे उस लड़की के बारे में बताती है जो की अभी नीचे गई है और मैरी कार्पेंटर को जूस देती है साथ ही साथ उसकी बहन को पिलाने के लिए भी जूस देती है खैर अब रात को सभी लोग सो रहे होते हैं कि तभी एंथनी की मां के रूम के अंदर हलचल शुरू हो जाती है उसे कुछ आवाजें आती हैं जिससे उनकी नींद खुल जाती है और वो हलचल नोटिस करके अपने पति की फोटो के सामने जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं कि क्या वो किसी पर गुस्सा है या फिर अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो वो उसे माफ कर दे अगले दिन वो जागती है तो वो काफी परेशान थी और एंथनी उनसे ये कहता है है कि उसकी जॉब भी जाने वाली है। और उसने अपने सारे पैसे लगा कर ये घर खरीद लिया है ऊपर से दो बच्चियों की जिम्मेदारी उस पर है और वो आगे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो वो कराने का सोच रहा है जिस पर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको थप्पड़ मार के ये बोलती है की वो ये बिल्कुल भी ना कहे और वो अपने पिता के री को नहीं रोक सकता बात रही बच्चे को पालने की तो वो अपनी पेंशन से उसको पाल लेगी और एंथनी उनका ये बिहेवियर देख काफी शॉकड हो जाता है क्योंकि वो पहले ऐसी नहीं थी अब रात को एंथनी सो रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है और उसकी नींद खुल जाती है वो बाहर जाता है तो उसे कुएं के पास तारा दिखाई देती है जिसे बचाने वो वहां पर भागता है लेकिन वो अचानक गायब हो गई थी साथ ही साथ अब उसे किसी ईविल के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो घर पर देखता है तो बालकनी में कोई लेडी और बच्चियों के भूत खड़े हुए थे और तभी उसे कुएं के अंदर कोई धक्का दे देता है अब अगले दिन मैरी जागती है तो उसे ढूंढने लगती है जो कि उसे कुएं के अंदर ही मिलता है जो कि रात भर ऐसी वही पड़ा हुआ था और कुछ लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला जाता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि घर के अंदर इतनी सारी अजीब चीजें घट रही थीं जिस पर मैरी उसे संभालती है अब वो अपने काम पर जाता है जिसे आने में देर हो गई थी और रात होने पर कारपेंटर की सिस्टर घर आती है जो कि तारा के साथ खेलने लगती है और उसे अपने साथ घर से बहुत दूर ले जाती है मैरी को जब उसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जो कि कार्पेंटर से पूछती है कि उसकी बहन उसकी बेटी को कहीं लेकर गई है तो वो शॉकिंगली ये बताता है कि उसकी तो कोई बहन ही नहीं है और उस दिन उसे वो बहन वाली बात भी समझ नहीं आई थी की उसने जूस आखिर दो पैकेट क्यों दिए थे यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि कोई भूत था खैर मैरी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी हम तारा को देखते हैं जो कि घर से बहुत दूर अकेले भटक रही थी जिसको शॉकिंगली अनम्मा देख लेती है जी हाँ वही अनम्मा जो कि ये केस सुना रही है और वो उससे बात करके उसे घर ले जाने लगती है जिन्हें मैरी भी मिलती है और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करती है जहाँ पर तारा को याद तक नहीं था कि वो कब घर से गई क्या हुआ कैसे हुआ बस उसको ये याद था कि होश आने पर वो रोड पर अकेली घूम रही थी अब बनम्मा उन दोनों को घर पर ड्रॉप करती है जिन्हें उस घर को देखते ही उस घर के अंदर की नेगेटिव प्रेजेंस फील हो जाती है और उस घर की वो जो गोस्ट होती हैं, वो भी बालकनी से खड़ी खड़ी उसे ही देख रही थी अब रात में एंथनी की माँ को उस स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाज आती है और वो एंथनी को बुलाती है जो कि वहाँ चेक करता है लेकिन तब तक लाइट चली गई थी अब वो उस रूम में जाता है जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं और उसे कोई परछाई हॉन्ट करती है हमला करती है और वो रूम के अंदर कैद हो जाता है अब अगले दिन ब्रोकर पुलिस ऑफिसर को लेकर वहाँ आता है और वो लोग उसे बाहर निकालते हैं अब पुलिस ऑफिसर उसका बयान लेता है लेकिन उसे इन सारी बातों पर भूत वाली बातों पर यकीन नहीं होता तो वो वहां से चला जाता है तभी एंथनी बहुत ही ज्यादा डर चुका था जो कि ब्रोकर से ये कहता है कि वो कैसे भी करके ये घर बिकवा दे और उसे कहीं और दूसरा घर दिलाए जिस पर ब्रोकर उसको ये कहता है की घर बेचने में टाइम लगेगा और ज्यादा दिक्कत होने पर वो अनम्मा को कॉल करे क्यूँकी वो इन सब चीजों से ही डील करती है उनको सोल्व करती है यानी की यहाँ पर ये ब्रोकर जानता था की इस घर के अंदर दिक्कत थी लेकिन पैसों के चक्कर में उसने घर बेच दिया इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स या बिल्डर्स किसी के सगे कभी नहीं होते अगर भूत पैसा देंगे ना तो वो भूतों को भी घर बेच सकते हैं अब एंथनी अपने काम पर निकल जाता है और अनम्मा को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उनके घर पर फिलहाल कोई नहीं था तो उसकी बात किसी से नहीं होती खरअब रात को वो घर आता है जो कि सबसे ये कहता है कि अगर वो इस घर के अंदर और रहे तो आगे और भी कुछ भयानक घटित हो सकता है तो वो अभी यहाँ से जा रहे हैं और उसने मिल के पास ही किराए पर एक घर देख लिया है वो सभी लोग सामान पैक करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी मैरी स्लिप होकर गिर पड़ती है और एंथनी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स उसके बच्चे के टेस्ट करने लगते हैं कि वो सेफ है या फिर नहीं अब रात यू ही बीत जाती है और बीच में एंथनी की माँ भी कॉल करती है और थोड़ी देर बाद अनम्मा का कॉल भी आ जाता है जो कि एंथनी से कहती है कि वो सब जानती है और वो दो दिन बाद आ जाएगी तब तक वो घर छोड़कर कहीं भी ना जाए जिस पर वो जाने की जिद करता है तो वो ये कहती है कि ये घर उसे घर ऐसी या फिर इस गाँव ऐसी कहीं बाहर नहीं जाने देगा और कोशिश करने पर चीजें गलत हो जाएंगी और उसे वही पर रुकना पड़ेगा और आप देख चुके हैं की चीजें कितनी गलत हो रही थी अब सुबह उसे सोवी का कॉल आता है जो कि उसको ये बताती है कि उनकी दादी चल बसी है और ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है अब प्रेजेंट टाइम में लोकनाथ अनम्मा से ये पूछता है कि आखिर आखिरकार मौत के आगे है क्या क्या वो अंत है या फिर कभी उसके चीजें पता भी चलेंगी साथ ही साथ अलग अलग रिलीजन अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर क्रिमेशन अलग अलग तरह से होता है तो क्या वो सिर्फ बॉडी को खत्म करने का तरीका है या फिर उस सोल से लिविंग को बचाने की कोशिश क्योंकि अक्सर कहा जाता है की अनसेटिस्फाइड सोल्स हमारे आस ही रहती है और वो कभी भी किसी के भी शरीर को पजेस्ट कर सकती है उसका यह भी कहना था कि क्या वो हमें हार्म भी कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल अनम्मा इसके बारे में कुछ नहीं बोलती वो कहानी कंटिन्यू करती है जिसके अंदर कहानी फिर से पास्ट में जाती है और हम एंथनी की माँ का अंतिम संस्कार देख पाते हैं और अनम्मा वहाँ पर घर आ गई थी जो कि यहाँ वहाँ पूरा घर चेक करती है जिसके अंदर उन्हें उसकी माँ की स्पिरिट मिल जाती है यानी कि एंथनी की माँ की जिनसे अनम्मा उनके मरने का रीजन पूछती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है खैर तभी उसे कोई और इविल वॉइसिस परेशान करने लगती है और उसे एक और स्पिरिट दिखाई देती है जो की इस घर की पुरानी ओनर है लेकिन उसके बारे में हम असली पत्ते खुलते वक्त जानेंगे तभी अनम्मा बैरियल ग्राउंड पर आती है जहा पर वो एंथनी की माँ के साथ उनके हस्बैंड की फोटो को भी बैरी कर देती है ताकि वो सुकून से यहाँ से जाए लेकिन वो फोटो आज भी अनम्मा के पास ही है और वो फोटो घर के अंदर भी आ गई थी जो की काफी वियर्ड बात थी अब अनम्मा एंथनी और उसके परिवार से बात करती है और बताती है की यहाँ की जो इविल फोर्सेज है उन्हें पास्ट में जाने से सच जाने से रोक रही है ऑल बाहर बने हुए बरगद के पेड़ को टच करने पर वो पास्ट की कुछ झलकियां देख पाई थी जिसके अंदर एक माँ उसकी चार बेटी बेटियाँ उसका पति और उसकी सास रहा करती थी और फिर सभी बहुत ही बुरी तरह से मारे गए लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ ये जानने के लिए उन्हें पास्ट देखना होगा जो की फिलहाल इम्पॉसिबल हो रहा है तो वो जल्दी ही मदद लेकर सही इंफॉर्मेशन के साथ वापस आएंगी तब तक वो लोग सावधान रहे और सतर्क रहे और तारा पर विशेष ध्यान दे क्यूँकी उसके बॉडी के ऊपर चोटों के निशान बने हुए हैं मतलब की वो मेन टारगेट है और अब हमको समझ में आ रहा है कि उसके हाथ पर जो चोट के निशान थे वो यही स्पिरिट दे रही थी क्योंकि वही मेन टारगेट थी अब अनम्मा यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पर जाती है अलग अलग रिचुअल एग्जोर्सिज्म प्रोटेक्शन सर्कल मेथड्स को गैदर करती है और इसी बीच प्रेजेंट में लोकनाथ उनसे पूछता है कि उन्होंने अलग अलग रिचुअल्स को चेक किया अलग अलग कम्युनिटीज में चीजें सीखी जिस पर वो कहती है की हिंदुज्म में एक्सोरसिज्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर रोज दिया बत्ती लगा भगवान शिव की पूजा करी जाती है जिससे की बैड स्पिरिट से बचा जा सके और हिंदू धर्म के हिसाब से इसके पीछे रीजन भी है जैसे होता है ना की हनुमान जी की पूजा करी जाती है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ऐसे ही ये भी माना जाता है कि जब शिव जी आते हैं तो सारे भूत प्रेत बिल्कुल शांत हो जाते हैं खैर तभी हम 1990 के अंदर फिर से अनम्मा को अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पर जाता हुआ देखते हैं अपने लोगों को इकट्ठा करता हुआ देखते हैं, जो कि अलग अलग धर्मों से थे और उन्हें उनके रिस्पेक्टिव रिलीजन्स का पूरा ज्ञान था कि कैसे सोल्स को रोका जाए प्रोटेक्शन रखा जाए और एग्जोर्टिज्म कैसे किया जाए क्यूँकी यहाँ पर अनम्मा को पता नहीं था की कि ये किस धर्म की आत्माएं हो सकती है कैसा ई है ये और इसी बीच वो गहरी साधना भी करती हैं, जिसके चलते उनको पता चल जाता है कि की मां की मौत कैसे हुई थी चेक करती है जहाँ उन्हें एक बच्ची का स्केलेटन मिलता है जिसको देख वो बताती है की इसके पिता इसे मारने आ रहे थे और डर कर ये बेचारी यहाँ छुप गयी जिसके चलते उसने वहाँ पर अपना दम तोड़ दिया तभी अचानक से ही तारा पजेस हो जाती है और पास में ही लगे हुए वाले पेड़ के चक्कर लगाने लगती है और एंथनी उसे रोकने जाता है तो अनम्मा मना कर देती है ऐसा रिस्की हो सकता था और कुछ ही देर के बाद में वो अपने आप ही थक कर बेहोश हो जाती है अब तारा को अंदर लाया जाता है और उसका एग्जॉर शुरू होता है उससे पहले उसके चारों ओर प्रोटेक्शन स्पेल से सर्कल बनाया जाता है और इसी बीच घर के अंदर होली वाटर भी छिड़का जाता है साथ ही साथ उस पर भी होली वाटर छिड़का जाता है लेकिन वो आग की तरह गर्म हो जाती है खैर तभी वो बोलने लगती है रोने लगती है और गिड़ लगती है जिस पर अनम्मा कहती है की ये की चाल हो सकती है तो कोई भी उसके ट्रैप में ना आए और आज की रात बड़ी जरूरी है तो यहाँ पर कोई भी खाए ना सोए ना आपस में बात भी ना करे और अगर कोई उनसे कुछ बोले कोई अनजान आवाज उन्हें सुनाई दे तो वो उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे और एक दूसरे की आंखें ना देखे क्यूँकी इससे ईविल बॉडी टू बॉडी स्विच कर सकता है अब थोड़ी देर के बाद में राइट्स पढ़ने वाला लड़का बेहोश हो जाता है और तारा हवा में लेविटेट करने लगती है जो कि इविल वॉइस में एंथनी और मैरी से ये कहती है कि वो अपने अनबोर्न बेबी को मारना चाहते थे तो अब तारा को भी वो मरने दे और वो खींच उसे रूम के अंदर कैद कर लेती है यानी कि ये आत्मा अब अनम्मा अपने एक साथी के साथ उसे लेने जाती है तो उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है और वहाँ पर कुछ बच्चियों के गोस्त उन्हें हॉन्ट करते हैं लेकिन अनम्मा ये कहती है कि आज उन्हें डर को रोकना होगा खैर अब उन्हें एक बड़े से संदूक के अंदर ढेर सारे बच्चों के कंकाल मिलते हैं और तभी वो पास्ट को देख पाती है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते तो उन्नीस के अंदर इस घर के अंदर नयूदमा नाम का एक आदमी रहा करता था जिसका बोर्ड एंथनी ने उखाड़ दिया था और उसकी ही स्पिरिट उस दिन रास्ते में एंथनी को मिली थी जो कि बार बार गायब हो रही थी असल में उसकी चार बेटियां थी और उसकी माँ अपनी बहू से नफरत करती थी कि वो कभी भी बेटा नहीं दे पाई और नयूदम्मा अम्मा भी उससे काफी नफरत किया करता था यानी की अपनी बीवी से फिलहाल वो प्रेग्नेंट भी थी फिर भी उसे टॉर्चर किया जाता गालियां दी जाती बुरा भला कहा जाता था लेकिन अपनी बेटियों के लिए वो आंसू भी पी लिए और बिल्कुल चुप होकर रह गई खैर एक दिन ये लोग तांत्रिक लेडी को बुलाते हैं जो की पेट में पल रहे बच्चे को चेक करके बता पाए की वो बेटा है या फिर बेटी लेकिन वो लेडी ये कहती है की बेटी का ही जन्म होगा और गुस्से में आकर नयुदम्मा अपनी बीवी का पेट काट उस अनबोर्न बेबी को खत्म कर देता है जिसके अंदर उसकी बीवी की जान चली जाती है और उन चार बेटियों को भी छत से फेंक कर काट कर, पटक कर और कुचल कर खत्म कर दिया जाता है और वो बच्ची जिसका कंकाल अनम्मा को मिला था बरगद के पेड़ के नीचे वो भी उसकी ही बच्ची थी जो कि डर कर वहाँ बैठ गई खैर अब उस पिंडम यानी की फीटस को वहीं बैरी कर दिया जाता है और प्रेजेंट टाइम में भी तारा भी अनम्मा को मिल जाती है जिन्हें वो एग्जोर्सिज्म के लिए लेकर आते हैं और अनम्मा बताती है कि उसी फीटस ने उसे पोजेस किया है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है जिसने फाइव एलिमेंट से अपनी पावर्स को बनाया है और अनम्मा ने इसलिए ही लोकनाथ को यह कहा था कि ये कभी भी ईविल पैदा नहीं हुआ था बल्कि इसको बनाया गया इतना खतरनाक बना दिया गया कि उसने इस हद तक यहाँ पर गोराम मचा रखा है अनम्मा बताती है कि वो एक सुनामी जितनी पावर से इकट्ठी कर चुका है और उसका असली टारगेट मैरी के पेट में पल रहा बच्चा है उसको पजस करना है और ये बिल्कुल मुझे दीपक की याद दिलाता है खैर इसलिए वो मैरी को गार्ड कर रहा है उसके पिंडम को गार्ड कर रहा है जो भी उसको खत्म करने की कोशिश करेगा वो उसको खत्म कर देगा अब आगे जाने से पहले हम इसकी माँ के बारे में जान ले तो उसे की बीवी ने मारा था वो भी बेटे बेटे के पीछे पड़ी हुई थी हालाकि वो उसकी सास जितनी बुरी नहीं थी लेकिन फिर भी सोल तो बदला लेगी ही चाहे कोई सुई जितना खतरनाक हो या फिर तलवार जितना सिंपल सी बात है कि ये सब चीजें देखकर स्पिरिट्स के अंदर जो गुस्सा था वो ट्रिगर हो चुका था खैरा मैरी को आटे का बना हुआ गोला देती है जिसे पिंडम मानकर उसे उसकी पूजा करनी होगी जब तक पजेशन न हट जाए और एंथनी को यहाँ मारी गई बच्चियों का अंतिम संस्कार करना होगा जिससे कि उनकी स्पिरिट्स आजाद होकर उन्हें छोड़ देगी अब इसी बीच नयुदम्मा का गोस्ट एंथनी को पदस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद को संभाल लेता है लेकिन वो गोस्ट जो होता है वो दूसरे लड़के को पदस् कर लेता है जो की रिचुअल खराब करने लगता है सब पर हमला कर देता है लेकिन अनम्मा अपने पिता वाला लॉकेट उसके गले में डालकर नयूदम्मा की स्पिरिट को वैनिश कर देता the yeah. air खैर फाइनली तारा का प्रदर्शन भी खत्म हो गया था और ये फीटर शांत हो चुका था ये घर भी अब भूतों से आजाद हो चुका है जिससे कि सभी बहुत खुश होते हैं और अनम्मा वहां से निकल जाती है यानी कि अनम्मा ने सक्सेसफुली यहां पर इस घर को बचा लिया था खैर अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और लोकनाथ की केस स्टडी भी पूरी हो गई थी कि तभी अनम्मा को, को कोई कॉल आता है कि कहीं कोई खतरे में है और वो उसकी मदद करने जाती है जिन्हें लोकनाथ भी ज्वाइन करता है जिसको वो पहले तो मना करती है लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाती है खैरब वो लोग उसी एड्रेस पर जाते हैं जो कि एक अबेंडेंड बिल्डिंग है जहाँ पर वो मूवी की स्टार्टिंग वाला मरा हुआ डॉग भी पड़ा हुआ था लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता तो कॉल किसने किया था और यहाँ पर उन्हें किसने बुलाया लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर जरूरी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के एक और भयानक असली पत्ते क्योंकि लोकनाथ असल में दम्मा की स्पिरिट से था जी हां। जो कि अनम्मा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था और सबसे बड़ी बात ये थी की जो अनम्मा के पिता का दिया हुआ लॉकेट था वो भी उसने अपनी कार के अंदर ही छोड़ दिया था यानी की ये सारी की सारी एक सोची समझी साजिश थी और बूम इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये थी पिंडम फिल्म की कहानी उम्मीद करता हूँ तो कर वहां पर आपको ये इंग्लिश सब के साथ में मिल जाएगी देखो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है काफी बढ़िया है इसको देखने में काफी मजा आता है काफी एरी सा म्यूजिक है बहुत ही खतरनाक माहौल बनता है इसके अंदर एटलीस्ट आजकल जो हॉलीवुड मूवीज आ रही है उनसे तो ये काफी बढ़िया थी बाकी अब यहाँ पर आगे क्या होगा हो सकता है कि पिंडम पार्ट टू आए यहाँ पर कोई ना कोई और भी असली पत्ते हैं जो कि छुपे हुए हैं जो कि शायद से खुले नहीं हैं बाकी देखते हैं कि पिंडम पार्ट टू आएगा या फिर नहीं मेरे ख्याल से जरूर आना चाहिए बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हम नौ लाख सब्सक्राइबर्स के काफी करीब है तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए